नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो की फेमस पोइम द ऑर्फन गर्ल की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये जो पोइम है द ऑर्फन गर्ल, ये एक ऑर्फन अनाथ लड़की के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है। पोइट के अनुसार वो कहता है, हर हेयर वाज ब्लैक एज ए रेवन्स विंग्स, उसके बाल एक रेवन होता है कौवा, क्रो, उसके बाल एक कौवे के पंखों की तरह काले थे। हर चिक द ट्यूलिप्स ह्यू डिड वियर, उसके होंठों पर उसके जो चिक्स थे, गाल थे, वो ट्यूलिप के फ्लावर की तरह चमकीले थे। उसके गालों पर ट्यूलिप के रंग की लाली थी। हर वॉइस वाज सॉफ्ट एज व्हेन नाइट विंड सिंग, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी जैसे कि रात की हवा गाना गा रही हो, यानी कि शांत और जेंटल नाइट की तरह उसकी आवाज़ थी। हर ब्रो वाज ए मून बीम फेयर, उसका जो माथा था वो ऐसा ब्राइट था जैसे कि चंद्रमा की मून बीम चंद्रमा की किरणें हों। हर सायर हैड जॉइंड द वेक ऑफ फार, सायर मतलब फादर, उसके लड़की के जो पापा थे वो युद्ध मर गए। द बैटल शुक द शाउट एंड स्कार ही न्यू, और वहाँ पे वो बहुत बहादुरी से लड़े लेकिन लास्ट में लड़ते लड़ते वो मर गए और उन्हें मरने से पहले पता था। एंड गेन ए ग्लोरियस ग्रेव, और उन्हें एक शानदार कब्र प्राप्त हुई, उन्हें एक सम्मान की मृत्यु प्राप्त हुई। सच इज द गार्डन ऑफ द ब्रेव, वो कहता है, पोइट कहते हैं कि यही जो है एक ब्रेव व्यक्ति का इस दुनिया में यही इनाम है कि उसे एक ग्लोरियस ग्रेव प्राप्त होती है। हर एंग्विश मदर सफरिंग हार्ट कुड नॉट एंड्योर ए विडोज पार्ट, पापा की जो उसकी डेथ हो जाती है वो उसकी मदर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। शी संक बीनीथ हर सोल्स डिस्ट्रेस एंड लेफ्ट हर इन्फेंट पेरेंटलेस, तो एक विडो की तरह जीने की बजाय वो भी एक हार्ट अटैक से मर जाती है और ये जो बच्ची है ये बिना माँ बाप के अकेली अनाथ हो जाती है। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट स्टैंजा है वो पूरा होता है। इम्पोर्टेंट लाइन यही है, सच इज द गार्डन ऑफ द ब्रेव। ये जो लाइंस हैं ये हमें इस दुनिया की क्रुएलिटी के बारे में भी बताती है और ये भी बताती है कि किस तरह गुड और बोल्ड पीपल को ये कैसे रिवार्ड करती है। फर्स्ट पार्ट में गर्ल की ब्यूटी के एप्रिसिएशन से स्टार्ट होता है और एंड ट्रेजेडी से होता है। सेकंड पार्ट जो है वो पोइट को की अनसर्टेनिटी है कि इस लड़की का वर्ल्ड में फ्यूचर क्या होगा, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। शी हैथ नो फ्रेंड ऑन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ, इस काली का इस कोल्ड मतलब यहाँ पे कोई इंसान दया नहीं कर रहा है। एंड ब्लीक मतलब विदाउट होप, बिना उम्मीद की, जो इस बेउम्मीद निर्दयी दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं है। टू गिव हर ए शेल्टर ए होम एंड ए हार्थ, जो कि उसे कहीं कोई शेल्टर दे, कोई उसे रहने का आसरा दे, कोई घर दे, कोई हार्थ, कहीं कोई उसे खाना, हैर्थ मतलब चूल्हा खाना वगैरह दे। दो लाइव्स ड्रेजी डेरी डेजर्ट अलोन शी मस्ट वेंड, अब उसे इस डल और डिप्रेस वर्ल्ड में, डेजर्ट मतलब दुनिया, यहाँ इस डल और डिप्रेस दुनिया में उसे अकेले ही जीना होगा। फॉर लास द रेच्ड हैव नेवर ए फ्रेंड, वो वापिस वो फ्रेज रिपीट करता है कि इस दुखी का कोई दोस्त नहीं है। एंड शुड शी स्ट्रे फ्रॉम वर्च्यूज वे, अब उसे क्या होगा इसे अच्छा होने से, वर्च्यू वे मतलब, वर्च्यू वे का मतलब है यहाँ पे अच्छा और काइंड होने का जो उसका तरीका है उसे उससे दूर जाना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो दुनिया है बड़ी क्रूअल है, बड़ी निर्दयी है. द वर्ल्ड विल स्कॉर्न एंड इट्स स्कॉर्न कैन स्ले. ये जो दुनिया है ये स्कॉर्न करती है, उसका मजाक उड़ाएगी, अब्यूज़ कराएगी, और ये जो दुनिया की ये जो नेचर है ये इसे मार देगी. आशेम आशेम हैथ अनफ टू रिंग द ब्रेस्ट विद ए वेट ऑफ सोरो एंड गल्ट ओप्रेस्ड. अब पोइट दुखी हो जाता है कि वो शेम जो इस लड़की को भुगतनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, वो इतनी होगी कि वो इसकी ब्रेस्ट से खून निकाल देगी. विद द वेट ऑफ सोरो, जो दुखों के पहाड़ हैं, जो गिल्ट के पहाड़ हैं, वो इसके ब्रेस्ट से खून निकाल देंगे और ये दुनिया से ओप्रेस्ड दब जाएगी. बट ओ इट्स कोल्डली क्रूअल टू वाउंड द बोजम हूज ब्लड मस्ट गश अनबाउंड. और वो कहता है कि यहाँ पे वो एक बात कहता है कि सर ओ इट इज कोल्डली क्रूअल टू वाउंड, ये बहुत क्रूअल है किसी के बोजम को वाउंड करना. बोजम मतलब इस लड़की, यहाँ पे सिंबल है इस लड़की का, उसको वाउंड करना. और वो कहता है द बोजम हुज ब्लड मस्ट गश अनबाउंड, और यहाँ उस लड़की से जो कि जो ब्रेस्ट से ब्लड आएगा वो अनकंट्रोल वे से आएगा, क्योंकि उसको इतना सोरो और शेम फील होगा. नो टीयर इज सो ब्राइट एज द टीयर दैट फ्लो फॉर एरिंग वूमन्स अनपिटेड वॉज. कोई भी दुख आंसू जो है वो इतना ज़्यादा दुखी नहीं हो सकता जितना वो दुखी, ये वो जो दुखी होता है जो एक दुखी और दबाई हुई औरत की आंसू से, आंखों से जो आंसू निकलता है, उस आंसू से ज़्यादा कोई भी चमकीला दुखी आंसू नहीं होता. एंड ब्लेस्ड बी फॉर एवर हिज ऑनर्ड नेम हु शेल्टर एंड ऑर्फन फ्रॉम सोरो एंड शेम. और वो सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड, सबसे ज़्यादा कृपा, सबसे ज़्यादा सम्मानित पोइट के अकॉर्डिंग वो पर्सन होता है जो एक ऑर्फन, एक अनाथ को सोरो, दुख और शेम से बचाता है. इस तरह ये जो पोएम है ये एक होप और अनसर्टेनिटी में एंड होती है कि इस लड़की का फ्यूचर क्या होगा. पोएम हमें एक इंसाइट देती है कि औरत की कंडीशन क्या है, और वो सप्रेशन जो उस टाइम पोइट के टाइम एक लेडीज़ को फेस करना पड़ता था. एक लड़की जिसके फादर जो हैं वो मर जाते हैं, उसे एक पेरेंट्स मर जाते हैं, उसे एक शेमफुल लाइफ को जीना पड़ता है, और वो फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली लोगों से टॉर्चर होती है. सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा. आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ.